हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2022 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स तीन फिजिसिस्ट को दिया गया है, जिनका नाम है जेफ क्लाउजर, एलन एस्पेक्ट और जिलिंगर। ये प्राइज उनको बेसिकली इंटेंगलमेंट फोटान के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बेन इनक्वालिटी को गलत प्रूफ करने के लिए तथा क्वांटम इन्फॉर्मेशन में इस इंटेंगलमेंट की, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी है, उसका क्वांटम इन्फॉर्मेशन क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे यूज करेंगे, बेसिकली उसी के ऊपर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इसमें लिखा गया है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट, बेल इनक्वालिटी एक्चुअल में है क्या, तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें अर्ली 19th सेंचुरी के आइडिया के बारे में, बहुत अच्छे से पता था। अगर हम बात करें न्यूटन्स की, तो न्यूटन के तीन फेमस लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ये ऑलमोस्ट जितने भी हमारे नेचर में फिजिकल फिनोमेना हो रहे थे, सबके एक्सप्लेनेशन को दे रहा था उसमें। बट जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे गए, जब हम मॉलिक्यूल्स एटम इसमें इंटरेस्टेड हुए, जब इसमें डिस्कवरी होने लगी, लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, तो वहाँ पे फिर ये देखा गया कि जब हम एटम के बिहेवियर्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इन सब की प्रॉपर्टी का स्टडी करना स्टार्ट किए, तो हमने देखा कि जो हमारे न्यूटन्स के लॉ थे वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। इट मीन्स न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड एट द एटॉमिक लेवल। तो फिजिसिस्ट को अब एक नए लॉ की ज़रूरत थी, जो कि एटॉमिक लेवल के एटम के मॉलिक्यूल्स के इन सब के बिहेवियर को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो उसमें कुछ लोग जिनका नाम आता है, बोर्स हैं, मैक्स प्लैंक हैं, आइंस्टीन हैं, हाइजेनबर्ग हैं, श्रोडिंगर हैं, मैक्स बॉर्न हैं, डिराक हैं, पॉली हैं, ऑलमोस्ट और भी बहुत नाम हैं जो इसकी इस लिस्ट में आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, तो न्यूटन कहते हैं कि अगर टेल मी द प्रेजेंट आई विल टेल यू द फ्यूचर, आप हमको आज के बारे में अभी बताइए, किसी पार्टिकल का या किसी का पोजीशन क्या है, उसके इस वेरिएबल्स हमको आप बताइए, हम उसके फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर देंगे। बट क्वांटम मैकेनिक्स से दैट टेल मी द प्रेजेंट आई विल टेल यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि आप किसी भी सिस्टम के प्रेजेंट सिचुएशन को हमको बताइए, मैं उसके फ्यूचर की संभावना बता दूंगा, यानी प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि वो कैसा बिहेव करेगा, एग्जैक्टली वो कहाँ होगा, कैसा क्या बिहेवियर होगा, 100% नहीं बताता है ये क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द प्रोबेबिलिटी। तो शुरुआती दौर में क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली आइंस्टीन को भी बहुत अच्छा लगा और भी जितने सारे लोग थे, क्योंकि जितनी भी फिजिकल अनफोल्डिंग थी एटॉमिक लेवल की, सारे को अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर रहा था, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। जितनी भी उस समय की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हुआ, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही थी। इवन दैट आइंस्टीन ने भी क्वांटम थ्योरी का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया, जिसके लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। तो इसी बीच एक और क्वांटम फेनोमेना सामने आती है, क्वांटम इंटेंगलमेंट। बेसिकली इंटेंगलमेंट से मतलब ये होता है कि एक दूसरे से जुड़ाव होना, लगाव होना। जैसे कि मान लीजिए कि एक एलिस है और ये बाब है, ये दोनों पहले अलग अलग एंटिटी थे। मान लीजिए कि दोनों में अफेयर हुआ, दोनों ने शादी कर ली। अब मान लीजिए किसी बीच एलिस की डेथ हो जाती है, तो क्या बाब की लाइफ जब एलिस और बाब दोनों नहीं मिले थे वैसी नहीं रहेगी? अब एलिस की डेथ होने पर बाब पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी एलिस एंड बाब आर इंटेंगलमेंट टू ईच अदर। तो वैसे ही क्वांटम में क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि फोटान है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक दो फोटान क्रिएट किया और इन दोनों को बहुत दूर भेज दिया, इवन दैट लाइट ईयर दूर, अगर मान लीजिए कि इस फोटान की प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करते हैं, तो हमें इस फोटान के बारे में भी पता चल जाता है। यही जो इंटेंगलमेंट वाली प्रॉपर्टी है, अगर आप लोग इंटेंगलमेंट को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। यही जो इंटेंगलमेंट वाली घटना है, ये आइंस्टीन को अंदर से हर्ट की। आइंस्टीन ने कहा कि एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी इस फोटान की है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी से हम इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर ले रहे हैं, जो कि ट्रू भी है
और ये देखा भी गया, इसको क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट भी किया गया कि अगर इसके स्टेट्स के बारे में हमें पता है तो हम इसके स्टेट्स की ये कर सकते हैं। बट आइंस्टीन ने कहा कि एक्चुअल में ऐसा हो तो रहा है, बट इसके पीछे का रीजन कुछ और है, इनके बीच में कोई लिंक है, कोई हिडन वेरिएबल है। हिडन वेरिएबल को हम और अच्छे से इस अपने एक डिमॉन्स्ट्रेशन से समझ सकते हैं। जैसे मानिए हमारे पास ये है, अगर हम इसको ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, इसको अगर हम नीचे खींच देंगे तो ये नीचे जाएगा, अगर हम फिर से इसको ऊपर खींचे तो अब ये वाला ऊपर जा रहा है, देखो तो ये जा रहा है, जो कि हम जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के हिसाब से हुआ। फिर दोबारा जब हम करते हैं तो ये अब ऊपर जा रहा है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी होगा। तो इसमें क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट प्लेस हो रहा है, तो इसके बीच का क्या ऐसा हिडन वेरिएबल है। तो जब हम इस वाले को स्ट्रिंग को थोड़ा सा दबा लेते हैं और इसको जब खींचते हैं तो यहीं ऊपर नीचे होता है, यहीं ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब हम इसको रिलीज करके अब इसको खींचेंगे तो अब ये ऊपर, ये भी ऊपर जाएगा। तो एक्चुअली में इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके पीछे का जो हिडन वेरिएबल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही सेम चीज़ आइंस्टीन भी कहना चाहते थे कि जो इंटेंगलमेंट वाली फिनोमेना हो रही है कि एक फोटॉन यहाँ पे है, एक फोटॉन यहाँ पे है, या एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका स्पिन अप है तो इसका स्पिन डाउन है, इवन दैट ये बहुत दूर एंटिटी में चले जा रहे हैं फिर भी ऐसा चीज़ें हो रही हैं। तो उनका कहना था कि इनके बीच में भी कोई हिडन वेरिएबल है जो कि हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो उनके हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स अभी क्या है कि कंप्लीट थ्योरी नहीं है जब तक हम लोग एक हिडन वेरिएबल के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। बट और भी साइंटिस्ट थे, वो तो इस बात को रिजेक्ट कर दिया। दिस एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फोटॉन एक्चुअली हर्ट द आइंस्टीन। Einstein said that it is not possible. He said that there is a hidden variable. इनके बीच में कुछ hidden चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं जो कि हम measure नहीं कर पा रहे हैं। But Einstein said that कि इसके बीच में कोई hidden variable है जो इस के लिए जिम्मेदार है। But वो hidden variable क्या है वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो but other scientists जैसे like Bohr, they reject the idea of hidden variable. बट आइंस्टीन वांट टू एक्सपोज द इनकम्प्लीटनेस ऑफ क्वांटम। ऑल्दो आइंस्टीन इस बात से को डिनाई नहीं कर रहे थे कि क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट गलत हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट से एकदम सहमत थे, बट वो इस बात से थोड़ा हर्ट हुए कि क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी की बात करता है और उनका ये कहना था कि ये कंप्लीट लॉ नहीं हो सकता, हमें एक ऐसे लॉ की जरूरत है जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ना हो। और उनका एक फेमस कोट भी है कि गॉड डजंट प्ले डाई विथ अस। तो उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना वो हमारा कंप्लीट रियलिटी नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट। तो फिर इस बात से बोहर साहब और लोग भी नाराज हुए। तो आइंस्टीन ने अपने दो और कलीग के साथ मिलके, पोडोलस्की और रोजेन के साथ मिलके, इस क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सपोज करने के लिए बेसिकली एक उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसको हम लोग EPR पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये विवाद तब जाके ख़त्म हुआ जब 1964 में एक आयरिश फिजिसिस्ट नेम्स जॉन बेल प्रपोज्ड ए मैथमेटिकल इनक्वालिटी एंड ही गिव द आइडिया ऑफ हिडन वेरिएबल आर एग्जिस्ट आर नॉट। उन्होंने एक मैथमेटिकल इनक्वालिटी बनाई और उसको हिडन वेरिएबल, उन्होंने माना कि अगर हिडन वेरिएबल होगा तो ये इस तरह से इस इनक्वालिटी को ऐसा सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिनल ये मान के चले जहाँ पे देर इज नो हिडन वेरिएबल तो ये चीज़ वायलेट होनी चाहिए। हालांकि ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली तो सॉल्व हो गई बट प्रैक्टिकली अभी सॉल्व नहीं हो पाई। तो जो अभी हमारे जेफ क्लाउजर साहब हैं जिनको अभी 2022 का नोबेल प्राइज मिला, तो सबसे पहले उन्होंने इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। एक्चुअली उन्होंने दो फोटॉन क्रिएट किए बाय सम एनी मीन्स और उनके साथ इस इंटेंगलमेंट वाली प्रॉपर्टी को स्टडी किया
और फिर इसके बाद उसके आउटकम्स को ये किया, लिस्ट किया, और फिर देखा कि जो बेल्स इनक्वालिटी है वो एक्चुअली वायलेट हो रही है। जैसा कि बेल्स ने बेल्स के अकॉर्डिंग अगर ये बेल्स थ्योरम वायलेट हो रहा है, इसका मतलब कि देर इज नो हिडन वेरिएबल और एक्चुअली में वही हुआ। बट उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ लूपहोल्स थे जिसको कि एलन आस्पेक्ट ने फिर रिमूव किया। तो बेसिकली जेफ क्लाउजर और एलन आस्पेक्ट दोनों ने मिलके जो सेंचुरी पहले जो विवाद छिड़ा हुआ था आइंस्टीन के ज़माने से कि क्वांटम मैकेनिक्स में हिडन वेरिएबल है कि नहीं है, तो उसको दूर किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेल के आइडिया को ही आगे बढ़ाया और उसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लाके दिखाया कि देर इज नो हिडन वेरिएबल। और जो हमारे तीसरे फिजिसिस्ट हैं जिलिंगर साहब, इन्होंने इसी इंटेंगलमेंट वाली प्रॉपर्टी को, जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक फोटॉन यहाँ है और एक फोटॉन लाइट ईयर दूर है, फिर भी उनके बीच में कम्युनिकेशंस पॉसिबल है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को ये कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी भी हमें पता चल जा रही है। तो इसी आइडिया को इन्होंने रियलिटी में लाने की कोशिश की और इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये किया कि कैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वांटम्स इंफॉर्मेशंस में इसका यूज कर सकते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेलीपोर्टेशंस, जो कि अभी तक एक फिक्शन की तरह था, वो अब बेसिकली अब धीरे धीरे रियलिटी में बदलने जा रहा है। तो एक्चुअली में ये प्राइज इन लोगों को इसलिए मिला। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट करके हमको लिखिए। आपके कमेंट का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और आपके जो भी सजेशंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसके रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।